निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो पहले हम यही एक कॉन्सेप्ट समझते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है तीन टाइप के, अगर इनसे बेस्ट बोले, पहला है हमारा अमोनिया, दूसरा है हमारा यूरिया और तीसरा हमारा अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड। अगर हम बात करें अमोनिया की तो टॉक्सिसिटी में इस तरफ अगर हम जाएंगे तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया पाया जाता है फिश से, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है क्योंकि वहां पे पानी इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि वो अमोनिया को अपने बॉडी से निकाल सकते हैं। ज्यादा ज्यादा टॉक्सिक है तो ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं यूरिया, यूरिया किसके अंदर पाया जाता है, यूरिया किसमें हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ये हो गया हमारा ह्यूमंस, या फिर अगर हम बात करें सभी मैमल्स की क्या बनता है इसमें, यूरिया बनता है। यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड पाया जाता है हमारा बर्ड्स के अंदर। आपने देखा होगा बर्ड्स यूरिनेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं जब वो फीकल मैटर अपनी बॉडी से निकालते हैं तो उनका फीकल मैटर पेस्ट लाइक होता है, उसी में ही ये यूरिक एसिड को निकाल लेते हैं, अलग से नहीं निकालते हैं क्योंकि इसको सबसे कम पानी की जरूरत होती है। इसी वजह से जैसे जैसे हम इस तरफ से यूरिक एसिड से अमोनिया की तरफ आएंगे वैसे वैसे इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा इसे पानी की जरूरत पड़ेगी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो मैंने अभी बताया यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल किसका होता है, हमारा बर्ड्स का। किसका होगा? बर्ड्स का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन यूरिन की, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है, या हम बोले डिहाइड्रेशन में हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी से पानी निकलना अधिक मात्रा में, ठीक है। अब हम देखते हैं हम किसी ऐसे गर्म जगह पे और हमारी बॉडी से पानी निकले जा रहा है स्वेट की तरीके से, तो स्वेट में क्या होगा, कुछ सॉल्ट भी होंगे। क्या होंगे? कुछ सॉल्ट होंगे, या तो स्वेट के जरिए निकले, ठीक है, या फिर किसी को डायरिया हो गया तो तब उसको फीकल मैटर के थ्रू निकले, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी से सॉल्ट निकल जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर हमें क्या देते हैं, ORS पीने की सलाह देते हैं। क्या देते हैं? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट, ताकि जो सॉल्ट हमारी बॉडी में निकले हैं वो दोबारा से आ जाए। तो मेनली सॉल्ट कौन सा होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। क्या है? NaCl। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हेमिकॉर्डेटा किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं, या अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेट की तो किस टाइप से या किस प्रकार से क्या करते हैं एक्सक्रीशन। तो हम देखते हैं कि उनके अंदर पाया जाता है मेल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? मेल्फिंजियन ट्यूब्यूल्स, और इसी की सहायता से क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कपाट रहित हृदय होते हैं, यानी कि अगर हम कपाट रहित हृदय की बात करूं तो यहाँ पे बात आ रही है चैम्बर की, चैम्बर नहीं होना। तो ये पाए जाते हैं हमारे फिशेज के अंदर। किसके अंदर? ये हमारे अंदर किसके अंदर पाया जाता है? फिशेज के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता अगला क्वेश्चन क्या है? दूध के वितरण से पूर्व उसमें स्थानीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पाश्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत कम समय के लिए करीबन करीबन अगर हम बात करें तो
15 सेकंड के लिए हम इस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो रोगाणु दूध के अंदर उपस्थित होते हैं वो मर जाते हैं और फिर इसके बाद में वो दूध आगे भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? येलो कलर जो होता है हमारा वो किस चीज को दिखाता है यूरिन के? तो हम इसका ऑप्शन है बाइल। बाइल जो होता है हमारा लीवर से निकलता है, तो ये बाइल की वजह से ही क्या होता है, येलो हो जाता है हमारा यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है? तो अगर हम बात करें कॉकरोच, तिलचट्टा का मतलब क्या होता है, कॉकरोच के अंदर किडनी ना पाकर पाया करके मेलफिंजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेलफिंजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं जो इसे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है, मानवों के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्या है अपशिष्ट पदार्थ, क्या है बताइए जल्दी से। बिल्कुल यूरिया। क्या है हमारा? यूरिया। थोड़ी देर पहले ही हमने ये समझा क्या है यूरिया। अमोनिया किसमें पाया जाता है? फिश के अंदर पाया जाता है या फिर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर पाया जाता है यूरिया। ह्यूमंस या फिर मैमल्स के अंदर यूरिक एसिड कहां पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।